इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना टाइम लेना चाहें, यानी आपका टाइम है उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर और सीवी और रिज्यूमे हो गया है ना कवर? जी मैम, हो गया। ओके, तो अब यानी आपका मेड का कोर्स जो है ना वो फाइन ख़त्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम फाइनल का स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, फाइनल में हम ट्रांसलेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आप लोगों को एक पैराग्राफ जो है ना स्क्रीन शो के थ्रू जो है ना वो शो करती हूँ आपको, स्क्रीन शेयर के थ्रू। तो आप लोगों ने उसको ट्रांसलेट करना है अभी क्लास में। जी फहद, आपने हैंड रेज किया है, आपने कुछ पूछना है या वैसे ही हैंड रेज किया है, या आप इधर मैम उधर मैंने हाथ? पूछा था, इसमें भी हमें चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगानी पड़ेगी कि इसके पार्टिसिपेंट्स वगैरह नहीं, का सिस्टम लगे? अच्छा, हाँ इसमें अलग है। इसमें मेरे पास आपकी ये डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट, टीचर जो है ना या ऑर्गेनाइजर वो अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो आप लोग आप स्नैपशॉट ले, मैं आपको कह दूंगी आप स्नैपशॉट ले लें, तो स्नैपशॉट के तौर पे भी मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा। लेकिन यहाँ पे अटेंडेंस लिस्ट जो है ना वो डाउनलोड हो सकती है, वो मैं कर सकती हूँ। चलें सही। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, बच्चों को ट्रांसलेशन ऐड के होने लिए, दें अभी। हाँ अभी ऐड हो लें, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 5-10 मिनट, ज्वाइन कर उन्हें लें पता वो। नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम जो, उन्हें किसी को पता नहीं होगा। हाँ इतना मुश्किल नहीं है वैसे ये, आप जी डायरेक्ट मैम, भी जो ना गूगल अकाउंट के थ्रू मेरा ख्याल है, या किसी भी अकाउंट के थ्रू आप इससे लॉगिन हो के आप ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग सलाम वालेकुम मैम। मैम। वालेकुम अस्सलाम, विदाउट एनी मैम, हमारी क्या अटेंडेंस का बहुत इशू आ रहा है मैम। कई बार जूम पे क्लास हो रही होती है, पहले अटेंडेंस नहीं लेते, एंड पे जब अटेंडेंस लेते हैं तो कई बार किसी का वाईफाई हो जाता है, किसी का नेट वो इशू हो जाता है, इस वजह से अटेंडेंस नहीं होती मैम। कोई बात नहीं, वो देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। कोई दोबारा भी तो आप लोग भी जो है ना वो दोबारा से भी तो ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो देख लेते हैं। कोई नाम कुछ मुझे याद भी है, अगर कोई रह भी जाएगा तो वो देख लेंगे उसको। चलो ठीक है मैम। मैम हमारी क्लास में ना कुछ अफगानी स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर करें, तो काइंडली आप उनके लिए इंग्लिश में ठीक डिलीवर है, मुझे तो कोई कर मसला दें। नहीं है। मैं तो आप लोगों के लिए ही जो है ना कोड स्विचिंग यूज़ करती हूँ कि आप लोग, एक तो मोनोटनस सी क्रिएट हो जाती है, जो है ना वो बॉर्डम सी फील होने लगती है कि, और थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए होता है। अदरवाइज मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं इंग्लिश में जो है मैम वो। आप थोड़ा मतलब ट्रांसलेट भी उर्दू के साथ भी और इंग्लिश भी, ताकि उनको भी समझ आ जाए, हमें भी। चलें ठीक है, वो तो मैं पहले भी इसी तरह ही करती हूँ कि इंग्लिश के साथ साथ जो है ना वो उर्दू में साथ साथ, इंग्लिश में साथ साथ उर्दू में चल रहा होता है। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ट्रांसलेशन, दैट हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, सॉरी फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। सो आई विल शो यू अ पैराग्राफ, आई थिंक वी शुड वेट फॉर स्टूडेंट्स फॉर सम टाइम, देन वी विल स्टार्ट प्रॉपरली। लेट मी शो यू अ पैराग्राफ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, मैम जो मैंने पूछना था, ये नंबर्स मिल चुके हैं हमें, ये जो आप कह रही हैं एजी एजी नंबर्स आप लोगों को मिल चुके नंबर? हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर्स तो आप लोगों को मिल चुके जी हैं, सबको मिल चुके हैं ऑलमोस्ट। मैम, मैम मैंने नहीं हमें देखा तो था, नहीं मिले। मैंने नहीं देखा था, ये कहाँ से मैम देख रहे हैं? जिनके आप फहद से पूछिए, मेल उनके पास चाहिए लिस्ट होगी लाजमी। मैम, हमें मेल चाहिए, जो मेल हमें लिखी थी ना उसमें। आप लोगों को एलएमएस के अकाउंट भी मिले? एलएमएस अकाउंट्स? जी मैम, पासवर्ड जी मिला है, मैम, यूजर नेम। ओके, मैम ये यानी फिर कैसे आप करना है? एलएमएस अकाउंट्स भी यानी आपके मिल बन गए हैं। मैंने चेक नहीं किया। फिर तो आप जो है ना उस एलएमएस अकाउंट के थ्रू भी इस पे जो माइक्रोसॉफ्ट
अकाउंट्स हैं यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि माइक्रो यूनिवर्सिटी का जो है सिस्टम सारा वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 पे है ना, तो आपको उसी के जाहिर है अकाउंट्स भी मिले होंगे, तो उसके थ्रू आप अगर होते हैं तो इजीली आप उसके थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे इजीली आप जो है ना लॉग इन भी हो सकते हैं। ओके मैम, अब आपकी क्लास जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू ही हुआ करेगी, ठीक है। मैम कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होनी है, उनका भी चले डाउनलोड ही आज नहीं तो है, डाउनलोड फर्स्ट कर डे रहे है हैं। ना, वो कोई बात नहीं है, वो ज़रूरी नहीं आपने माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल किया हुआ हो, वो आप ब्राउज़र से डायरेक्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप लोग ने माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल किया है या माइक्रो के ब्राउज़र से ही खोल के ब्राउज़र से ओपन करके हुए हैं? मैं मोबाइल पे इंस्टॉल करना पड़ता है, मैंने तो इंस्टॉल फ्रॉम किया है, डाउन वैसे नहीं इंस्टॉल किया लिंक है। वगैरह था, डाउनलोड करना पड़ता है फिर ही होता है। लेकिन उसके अलावा भी हो जाता है ना, यानी इंस्टॉल के बगैर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग। इसमें ये है ना कि ये 100 अगर, यानी हम एक दो दो क्लासेस हम ज्वाइन करना चाहें, यानी कोई क्लास हमारी जैसे मिस हो जाती है तो हम किसी और वक्त में क्लास रख सकते हैं। अगर आपको यानी 301 कोर्स है, कोई और भी है 301 कोर्स है, तो उस टाइम में भी हम क्लास किसी दूसरी क्लास के साथ, यानी कंटेंट तो आप लोगों का सेम ही है, कंटेंट सेम है, तो किसी और क्लास के साथ रखी जा सकती है। उसमें जूम में ये इशू आ जाता है कि उसमें 100 से अबव पार्टिसिपेंट्स नहीं हो सकते, इसमें जो है ना वो 250 अप टू 250 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए भी जो है ना इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। वैसे तो हम लोग इंशाल्लाह टाइम पे क्लास लेंगे, लेकिन कभी अगर कभी कोई क्लास मिस हो जाती है, जैसे पहले हो जाती थी जब हमारा टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा था तो हमें फिर एक्स्ट्रा क्लासेस रखनी पड़ती थी, तो अगर इस तरह का कोई इशू होता है या कोई या जो है ना वो मैं लीव पे होती हूँ तो क्लास जो है ना हमें किसी और दिन रखनी पड़ती है, तो इस तरह से फिर हम कंबाइन कर सकते हैं क्लासेस। मैम एग्जाम्स का पता है, मिड और फाइनल इकट्ठे होंगे? मिड और फाइनल आपके इकट्ठे इस तरह से होंगे आई थिंक, वैसे तो इकट्ठे ही होंगे एंड पे जब आप जो है ना ऑन यूनिवर्सिटी आएंगे इंशाल्लाह, तो मिड और फाइनल अभी देखें क्या होता है, अभी तो खैर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो सिचुएशन का काफ़ी ख़राब है, तो देखें क्या होता है, लेकिन अभी तक तो यही है ना कि जनवरी तक आपको है लीव है आप लोगों की, उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम के लिए आएंगे, जनवरी के एंड में आपके से एग्ज़ाम लिए जाएंगे, मिड और फाइनल इकट्ठे ही होंगे, मिड यानी पहले लेके फिर आपसे फाइनल आपके लिए लिए जाएंगे। तो जो लोग आते हैं वो ट्रांसलेशन स्टार्ट करें, आई थिंक मैक्सिमम ऑफ द क्लास इज प्रेजेंट नाउ। को एक पैराग्राफ सेंड किया है, इसे आप लोगों ने ट्रांसलेशन अभी करनी है, अभी ट्रांसलेट करके इसकी स्नैप जो है ना मुझे भेजनी है, व्हाट्सएप पे ना भेजिएगा, गूगल क्लासरूम पेज पे जो है ना आप सेंड करें, पोस्ट कर दें।
मैम कितना टाइम है इसके लिए? या ये आपके पास चैट बॉक्स भी आ रहा होगा, आप अटैच फाइल करके भी इसी में यहाँ भी सेंड कर दें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू ही। स्नैप लेके इमेज जो है ना उसका इमेज आप ये यहाँ पे भी आप सेंड कर सकते हैं, अटैचमेंट का ऑप्शन है ना, तो अटैच फाइल करके आप सेंड कर दें। अभी आपके पास 10 मिनट हैं इसके लिए, 10-15 मिनट ले लें मैक्सिमम। हम इसे गूगल क्लासरूम पर सेंड करना है? गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दें, वो इजी रहेगा। मैं अभी वो खोल लेती हूँ, उसी पे मैं चेक करती हूँ, अभी साथ साथ चेक करूंगा। ओके मैम। इतनी देर में चेक कर रही हूँ आप लोगों को, मैं एक और पैराग्राफ सेंड कर रही हूँ।
जितनी देर में मैं आप लोगों की ट्रांसलेशन चेक कर रही हूँ, आप अगर ज़रा ये देखिएगा, फिर मैं आप लोगों को दोबारा से जाना दरमियान में ही इंटरप्ट करती हूँ। एक मैं पहले आप लोगों की ज़रा ये चेक कर लूँ। मैम इसकी भी ट्रांसलेशन करनी है? जी बिल्कुल, इसकी भी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हम लोग पहले कर लेते हैं तो फाइनल में, या फिर फाइनल के कोर्स में शामिल है। इसके अलावा पंचुएशन, पैराग्राफ राइटिंग, तो आज हम ट्रांसलेशन रख लेते हैं। नेक्स्ट वीक में हम जो है ना एक आर्टिकल आर्टिकल नहीं दी, हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस आप लोग ऑनलाइन जो है ना आप लोगों को इजीली उसकी टेक्स्ट मिल जाएगी, बल्कि उसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन वगैरह भी डाउनलोड कर लें आप लोग। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हैप्पी प्रिंस पढ़ेंगे, ठीक है? तो दी हैप्पी प्रिंस की आपके पास टेक्स्ट होनी चाहिए। मैं आप लोगों को भी शो भी करूंगी स्क्रीन के थ्रू, लेकिन आप लोगों के पास होनी चाहिए, और बल्कि उसका प्रिंट लेके रखें ताकि ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल होगी। मैं देखती हूँ, या फिर नहीं तो मैं गूगल क्लासरूम पे मैं पोस्ट कर दूंगी। लेकिन आप लोग सर्च करेंगे दी हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड, दी हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड, तो वो इजीली आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। मैम ग्रुप में सेंड कर दीजिए, मैं सेंड कर देती हूँ आपको उसका नाम। हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड। मैम ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है लिंक। ये कौन कह रहा है गूगल क्लासरूम पे अटैच क्यों नहीं, अटैच नहीं करनी आपने, ऐड का बटन होगा वहाँ पे ऑप्शन की, ऐड करें। ऐड जो है ना वो फाइल, फाइल में जाके ऐड करें। सिग्नल इशू, सिग्नल इशू, लेकिन ओके जी ईमान, ईमान ने सेंड किया है। इन द लाइव्स ऑफ नेशंस, सुन रहे हैं आप लोग? इन द लाइव्स ऑफ नेशंस, नेशंस आएगा यहाँ पे, एस नहीं है। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ ड्यू टू विच दे कैन सक्सीड बाय ओवरकमिंग डिफिकल्टीज। अगर ओवरकम नहीं आएगा फिर यहाँ पे, दे कैन सक्सीड बाय ओवरकमिंग देयर डिफिकल्टीज।
एक मिनट में साथ में पैराग्राफ भी खोलूं। ओके जी, ये आप लोगों ने वैसे कुछ नहीं किया है, कुछ आप लोग चेक भी करें, मैं आपको जो है ना करेक्ट भी करवा रही हूँ, करेक्ट साथ साथ लिखते जाएं, जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं वो आप लोगों की निकल जाएंगी, ठीक है। जिन्होंने किया है इन द लाइफ ऑफ नेशंस, कौमों की ज़िंदगी में, ठीक है, नेशंस आएगा, ईमान का मैंने चेक कर रही थी तो नेशंस नहीं नेशन लिखा हुआ है, तो एस यहाँ पर आपकी मिस्टेक है, इन द लाइफ ऑफ नेशंस, फिर इसके बाद कौमा आएगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक ही वो ताकत है, नेशनल यूनिटी कर लें या सिर्फ यूनिटी भी ठीक है, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ ड्यू टू विच और बाय विच भी ठीक है, बाय विच अ नेशन कैन सक्सीड बाय ओवरकमिंग या ओवर पावरिंग, ठीक है। अगर ओवरकम आपने लिखा है ईमान, लेकर ओवर पावर ओवरकम नहीं आएगा, ओवरकमिंग आएगा, फिर बाय ओवरकमिंग A nation can succeed or they can succeed by overcoming the difficulties. Full stop. ठीक है, ये हो गया यहाँ तक करेक्ट फर्स्ट सेंटेंस का। अपना अपना आप लोग जो मिस्टेक्स हैं उसको ठीक कर लें। In the life of, I am going to repeat again. In the life of the nations, comma, national unity or just unity जिन्होंने लिखा है वो भी ठीक है। National unity is the strength due to which a nation can succeed. मैं जो आप लोग पोस्ट कर रहे हैं मैं वो बाद में वो भी चेक कर लूँगी, अभी आप फिलहाल खुद से ये जो है ना करेक्ट कर लें। नेशनल यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ ड्यू टू विच अ नेशन कैन सक्सीड बाय ओवरकमिंग और बाय कंट्रोलिंग और बाय ओवरपावरिंग द डिफ़िकल्टीज, यानी इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक दो का मैंने चेक किया है, जैसे ईमान ने लिखा है ओवरकम, ओवरकम नहीं आएगा, ओवरकमिंग आएगा या ओवरपावरिंग आएगा या कंट्रोलिंग बाय कंट्रोलिंग आ सकता है, ठीक है। ओके, सेकंड सेंटेंस है जिसकी कौमी इत्तेहाद मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, यहाँ पे कौमी इत्तेहाद, नेशनल यूनिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट भी आ सकता है। आई डोंट नो आपने क्या लिखा है, एक मिनट देख लेती हूँ। National unity plays an important role in the development or in the progress भी आ सकता है, in the progress of a nation. Of a country. Yes, unity is the strength due to which they can succeed by overcoming difficulties. National unity plays an important role in the nation नहीं आएगा यहाँ पे, ईमान ने लिखा है in the nation. National unity plays an important role in the in the progress of a country या in the development of a country, ठीक है। ओके जी, थर्ड सेंटेंस सुन रहे हैं ना आप लोग, अगर कोई मिस्टेक्स हैं या आप लोग कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं कि इसके अलावा ये हो सकता है ये नहीं, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, आप पूछ सकते हैं कि इस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अभी सभी के तो नज़र नहीं आ रहे, एक ही स्क्रीन खुल सकती है, एक ही विंडो खुल सकती है, तो ईमान का मैं देख रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, बाकी अभी आप लोगों का मैं बाद में चेक करूँगी। ओके, थर्ड सेंटेंस है, कौमी इत्तेहाद हमारी कौम को, यानी इंटरेक्शन आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ चुप रह के सुनना ही है और करेक्ट करना है, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमने इस तरह से लिखा है तो इस तरह हो सकता है या नहीं,
कॉमी तहा, यानी अगर तो कॉमन है ठीक है तो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर थोड़ा सा डिफरेंट है और आपको लग रहा है कि ऐसा भी होना चाहिए या हो सकता है तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में ये होता है कि बा मुहावरा ट्रांसलेशन आपने करनी होती है, वर्ड टू वर्ड जो है ना, ज़रूरी नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड आपने ट्रांसलेट करना है, बा मुहावरा ट्रांसलेशन करनी है और सेंस देखनी है कि सेंस क्या कन्वे हो रही है। तो हो सकता है जो वोकैबलरी आप यूज़ कर रहे हैं वो भी सही हो, लेकिन जो है ना समटाइम्स आप एक वर्ड के सिनोनिम्स यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन वो सिनोनिम जो है ना वो शायद वहाँ पे प्रॉपर या सूटेबल नहीं होता। तो आपने ये चेक करना होता है कि वहाँ पे वो जो आप कोई एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पे प्रॉपर या सूटेबल भी है या नहीं, ठीक है। तो वोकैबलरी आप डिक्शनरी से देख के या ऑनलाइन डिक्शनरी से देख के यूज़ तो कर सकते हैं, यूज़ भी कर रहे होंगे, लेकिन पता नहीं वो वहाँ पे सही भी हो या नहीं। तो वर्ड की वहाँ पे जो है ना अप्रोप्रिएटनेस चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे किसी जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो सूटेबल भी है या नहीं, यानी वहीं पे वो वहाँ पे वो प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है या कुछ और मीनिंग तो नहीं चेंज हो जाता, क्योंकि सिनोनिम्स जो है ना उनके मीनिंग डेफिनेटली करीब करीब तर एक ही होते हैं, लेकिन किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई वर्ड कोई और मीनिंग कन्वे कर रहा होता है किसमें कोई और, इसलिए ये देखना ज़रूरी है। ओके थर्ड सेंटेंस अस्सलाम वालेकुम देखें। मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम वो अफगानिस्तान वाले स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम इस ट्रांसलेशन का क्या करें। आप लोगों को भी करनी तो पड़ेगी बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्टेंट्स, सो यू हैव टू डू ऑल्सो, यू ऑल्सो हैव टू डू दैट, यू हैव टू ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, मैम उन्हें उर्दू लेकिन नहीं आती। हाँ उर्दू नहीं आती और जाहिर है लिखना नहीं आता। चलें आपके वी कैन मैनेज इट, वी कैन आई कैन गिव यू अनदर सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन इन द पेपर फॉर यू, राइट। सो आई विल गिव यू सब्स्टिट्यूट, आई विल गिव यू अ डायलॉग, राइट। सो द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अफगानिस्तान दे कैन प्रिपेयर अ डायलॉग, राइट। आई विल इन द क्वेश्चन पेपर आई विल गिव यू ऑप्शन और द स्टूडेंट्स हु आर द फॉरनर्स दे विल हैव द ऑप्शन इन बिटवीन ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एंड डायलॉग। सो यू विल बी गिवन अ टॉपिक टू राइट अ डायलॉग ऑन सम टॉपिक, सो यू कैन वर्क ओवर दैट, राइट। Who are the students who are from Afghanistan or the foreigners? Who are the foreigners? Can they raise hands? Are they in the class at this time? Yes, class. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Good morning. I'm Muhammad Daoud. I'm from Afghanistan. I'm new student. Okay, Muhammad Daoud. And anyone else who is from Afghanistan? Are you the only person who is Afghanistan? Yes. Assalamu alaikum. I'm Farzana Sultani. I'm also from Afghanistan. Okay, Farzana and Muhammad Daoud. Okay, the dialogue, right? You will be given a topic to write a dialogue. So you can work over your dialogue writing. Okay, fine. Yes. Okay. Okay, class. मैम ये सेकंड पैराग्राफ की सेंड करनी है गूगल क्लासरूम में। यस, दोनों आप लोग पोस्ट कर दें, दोनों ही पैराग्राफ आप लोग पोस्ट कर दें, आई विल चेक देम। ओके, वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द ट्रांसलेशन ऑफ इट,
So please check the correct translation, or if you have any mistakes, you can check that. And you can make the corrections. And you can also discuss if you want to about the translation, if you have another options to do, right? Okay, ma'am, so sorry. Yes. Ma'am, pardon me. There is one another student as well, Huwaida Nazari. Her phone was damaged. That's why she didn't raise her hand. Okay. Okay. She is also female. Yeah, she is also female. She is with Farzana. Okay. Yes, Farzana is here. Yeah, only for now, only Farzana is online. Okay. So you three are the foreigners, or they from Afghanistan? Muhammad Daoud, yes, Farzana, and what's her name? Huwaida Nazari. Sorry? Huwaida. Huwaida, okay. Yes, okay. You only three are the foreigners, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We three are only the foreigners. Okay, good. I'll be careful from next time that I'll speak in English, or I'll deliver in English, so that you may also understand, right? I don't know I didn't know about you that we have any foreigners in the class. So that's why that I switch to do, so that I may clarify the things well. Thank you, ma'am. Actually, HSC, they brought us so late, and we are lacked from our lessons as well. And that's why, HSC brought us so late in university. That's why we joined the class so late. Mm-hmm. So have you the notes, or have you the code of the Google Classroom page, so that Yes, ma'am. Our classmate Waqas, our CR, they sent all the materials to us. We are so thankful to them. Okay, good. You can also check your materials on the Google Classroom page, right? Okay, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Okay, most welcome. Okay, G, we will continue from the translation of the paragraph where we were. We were discussing the third sentence of the paragraph. قومی اتحاد ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ ہو گیا تھا. Next ہے قومی اتحاد ہماری قوم کی مضبوط بنانے کے لیے بہت اہم ہے. So کیا آپ لوگوں نے کوئی بتائے گا آپ میں سے بول کے کوئی بتائے گا یا میں آپ لوگوں کے نام لوں؟ Yes, محمد احتشام آپ بتائیں آپ نے کیسے اسے ٹرانسلیٹ کیا اس سینٹینس کو. थर्ड सेंटेंस है कौमी इत्तेहाद हमारी कौम को मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम है. ट्रांसलेट किया आपने या नहीं किया? यस मैम, मैंने किया मैम. सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ का जी. फर्स्ट पैराग्राफ का मैम, एक मिनट. मैम एक बार दोबारा लाइन बोलिएगा कौन सी. थर्ड सेंटेंस है कौमी इत्तेहाद हमारे कौमी इत्तेहाद हमारी कौम को मजबूत बनाने के लिए अहम बहुत अहम है. नेशनल यूनिटी नेशनल यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग. Yes, good. Very important to make our nation strong. Make our nation strong. Yes, good. So national unity is very important to make our nation strong or to strengthen our nation. Dono tarah se aap likh sakte hain. Theek hai? Good. Okay, ji. Next hai. Isme koi shak nahi hai ki Pakistan apni tareek ke sabse nazuk daur se guzar raha hai. Ji, isko kaun karega translate? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अपने तारीख के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है. यस उसामा, मोहम्मद उसामा. नहीं, एक मिनट, कोई और करेगा. वेट, ऐसे शाम कोई और करेगा.
Yes, Osama Muhammad Osama Salim. Yes, are you there? आपने इसको कैसे ट्रांसलेट किया? Osama. No doubt in that Pakistan is passing through a very critical period. No doubt Pakistan is passing, yes. Okay. Through a very critical period. Very critical period, okay. ठीक है, no doubt, ये no doubt के साथ अगर आप देर लगा लें तो proper तरह sentencing हो जाती है, sentence structure proper हो जाएगा, ठीक है? तो no doubt से start ना करें, there is no doubt that Pakistan is passing through the most critical period of its history. ठीक है, good. Okay, next है, पाकिस्तान को ताकतवर और खुशहाल बनाने के लिए कौमी इत्तेहाद एक लाजमी अमर है. पाकिस्तान को ताकतवर और खुशहाल बनाने के लिए कौमी इत्तेहाद एक लाजमी अमर है. जी, इसको कौन करेगा? जी, मुसद्दक अली. जी, आप करें. मैम रिपीट करना ये. एक मिनट. सेंटेंस है, पाकिस्तान को ताकतवर और खुशहाल बनाने के लिए कौमी इत्तेहाद एक लाजमी अमर है. नेशनल यूनिटी इज एसेंशियल टू मेक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग एंड प्रोस्पेरस. ठीक है, नेशनल यूनिटी इज एन एसेंशियल और एसेंशियल भी हो सकता है, नेसेसरी एलिमेंट भी हो सकता है, वेरी क्रूशियल फैक्ट क्रूशियल एलिमेंट हो सकता है. ठीक है, आप कुछ भी इस तरह से यूज कर सकते हैं. दैट पाकिस्तान को ताकतवर और खुशहाल बनाने के लिए नेशनल यूनिटी इज वेरी क्रूशियल और वेरी एसेंशियल फैक्ट और वेरी क्रूशियल एलिमेंट टू मेक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस. ओके, राइट. अस्सलाम वालेकुम मैम. यस मैम, आपने मुझसे पूछा था, मैं बताने लगा था, तो एम ने बता दिया. ओके, ओके, चलिए आप नेक्स्ट बताओ. आप लोगों ने, मुझे लगता है ये इंटरनेट से डाउनलोड तो नहीं कर लिया है कहीं? नो मैम, मैंने. ओके, नेक्स्ट क्या करें आप? आपस के इख्तलाफात खत्म करने और इत्तेहाद और यगानत की जितनी जरूरत आज है शायद पहले कभी ना थी. द नीड फॉर रेजोल्यूशन एंड रिकंसिलिएशन इज अ ग्रेट एज ओवर नॉट एनफ. द नीड ऑफ फॉर रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन इत्तेहाद और यगानत एंड यूनिटी रिकंसिलिएशन. रिकॉन्सिलेशन, ओके. रिकॉन्सिलेशन जो है ना, रेजोल्यूशन भी करारदाद या कोई इस तरह की रेजोल्यूशन भी जो है ना, कोई डिटर्मिनेशन के मीनिंग में यूज होता है, कि किसी चीज़ को आप करने का अहद करें, डिटर्मिन करें. तो ये इत्तेहाद और यकानगत के मीनिंग में रेजोल्यूशन यूज नहीं होगा, ना ही रिकेशन. रिकन्सिलेशन होती है कि आपके कोई लड़ाई है, झगड़ा है, और उसमें आप रिकनसाइल करें उसको, यानी सुलह वगैरह करना, और उसको उसके लिए रिकंसिलिएशन यूज होता है. तो रिकंसिलिएशन ना यूज करें. यूनिटी सिंपल वर्ड है, यूनिटी एंड हार्मनी यूज कर लें, यगानगत. ठीक है, इत्तेहाद, यूनिटी इत्तेहाद के लिए यूनिटी बिल्कुल बेस्ट वर्ड है. ठीक है, आगे आपने क्या किया? आपस के इख्तलाफात को खत्म करने के लिए. इज अ ग्रेट एज ओवर नॉट नो. द नीड ऑफ, मैम वो पहले लिखा हुआ है ना, नीड फॉर रेजोल्यूशन एंड रिकंसिलिएशन. आपने कहा यूनिटी कर लो इधर. ओके, ओके, नहीं, अच्छा ठीक है, एक मिनट, एक मिनट. द नीड फॉर यगानगत की जरूरत, इख्तलाफात खत्म करने के लिए, आपस के इख्तलाफात खत्म करने और इत्तेहाद यगानगत की जितनी जरूरत आज है. द नीड ऑफ यूनिटी कर लें. द नीड ऑफ यूनिटी, यस.
आपस के अख्तलाफात खत्म करने, पहले तो इसका आएगा ना आपस के अख्तलाफात खत्म करने, द नीड ऑफ, आपने इसका क्या किया है आपस के अख्तलाफात खत्म करने की ट्रांसलेशन क्या की है? मैम इसकी पूरे यही किया है, द नीड फॉर रेजोल्यूशन एंड रिकंसिलिएशन इज अ ग्रेट एज ओवर नॉट एनफ, इज नॉट एनफ, यस ओवर नॉट एनफ, ओवर नॉट एनफ, ओके नहीं, द नीड ऑफ इख्तलाफात खत्म करने, खत्म करना अबॉलिश करना ठीक है आ सकता है या इरेडिकेट करना, द नीड ऑफ इरेडिकेशन और अबॉलिशिंग, नीड ऑफ अबॉलिशिंग और इरेडिकेशन ऑफ म्यूचुअल म्यूचुअल कंट्रडिक्शंस आप कह सकते हैं, आपस के इख्तलाफात का म्यूचुअल कंट्रडिक्शंस कह सकते हैं ठीक है, या म्यूचुअल डिस्प्यूट्स भी आ सकता है, कंट्रडिक्शंस की बजाय आप डिस्प्यूट्स भी कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकता है ठीक है, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है, म्यूचुअल कंट्रडिक्शंस यूज कर सकते हैं मैम, एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंस भी आ सकता है इसकी जगह, हाँ बिल्कुल, एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंसेस जो है ना, डिफरेंसेस नहीं आएगा, एलिमिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है, इख्तलाफात डिफरेंसेस हो जाता है, डिफरेंसेस और मीनिंग में चला जाता है, यानी इम्तियाजात या फर्क के सेंस में चला जाता है, इख्तलाफात के लिए जो है ना वो डिस्प्यूट्स आ सकता है, और दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला था, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है, कॉन्ट्रडिक्शंस आ सकता है, ये दो तीन वर्ड आप यूज कर सकते हैं, बाहमी इख्तलाफात या आपस के इख्तलाफात के लिए ठीक है, बाहमी इख्तलाफात हो या आपस के इख्तलाफात हो वो एक ही मीनिंग है, उसके लिए म्यूचुअल का वर्ड बिल्कुल बेस्ट है ठीक है, म्यूचुअल म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शंस और म्यूचुअल डिस्प्यूट्स आ सकता है, इरेडिकेशन यूज कर लें खत्म करने के लिए या एलिमिनेशन भी ठीक है ठीक है, सो द नीड ऑफ इरेडिकेशन म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शंस और द नीड ऑफ एलिमिनेशन म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ठीक लग रहा है, द नीड ऑफ एलिमिनेशन म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू हैव यूनिटी एंड हार्मनी, फिर आएगा और इत्तेहाद और यगानियत की ज़रूरत आज जितनी ख़त्म करने और इत्तेहाद और यगानियत की जितनी ज़रूरत आज है, द नीड टुडे द नीड ऑफ इरेडिकेशन टुडे द नीड ऑफ एलिमिनेशन म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स और म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शंस एंड टू हैव यूनिटी एंड हार्मनी इज मोर देन एवर, शायद पहले कभी ना थी, इज मोर देन एवर, आपने किया था मोर देन इनफ, इनफ नहीं आएगा, इनफ तो आ जाएगा ना काफ़ी है, मोर देन एवर, एवर मीन पहले से कभी कहीं ज्यादा, यानी जितनी पहले थी शायद उससे भी ज्यादा है आज ठीक है, टुडे द नीड ऑफ, मैम इस तरह भी आ सकता है कि एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड यूनिटी एज मच एज इज नीडेड टुडे परहैप्स नेवर बिफोर, एक मिनट, अगर आप कहेंगे ना एलिमिनेशन ऑफ, आपने क्या कहा, एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड यूनिटी अकेला नहीं आएगा, एंड टू हैव यूनिटी आएगा, क्योंकि वो फिर यूनिटी का मतलब भी वो एलिमिनेशन में चला जाएगा, एलिमिनेशन है, यूनिटी को भी एलिमिनेट करने की जरूरत है, उसमें चला जाएगा, टू हैव यूनिटी करेंगे फिर आप ठीक है, तो दोबारा कीजिए इसे जरा, elimination of mutual conflicts and to have unity as much as is needed today perhaps never before, हाँ ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ठीक है good, इस तरह भी ठीक है, ठीक है correct, is needed greater today, हाँ इस तरह भी ठीक है, आपने स्टार्ट से किस तरह किया था, स्टार्ट से एक दफा फिर बोलिए, ओके
द नीड टू इरेडिकेट आएगा, फिर ऑफ नहीं आएगा ना, इन्फिनिटिव बन जाएगा. द नीड टू इरेडिकेट म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू हैव यूनिटी. कैसे? हाँ ठीक है, फिर ठीक है. द नीड टू इरेडिकेट म्यूचुअल कॉपरेशन have unity is greater than before. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस. वालेकुम अस्सलाम मैम. फरजाना सुल्तानी जो है वो उसका ऐड नहीं हो रहा, कैंडल से ऐड कर लो. ऐड नहीं हो रहा मैम, उसकी ज्वाइन नहीं हो रही मीटिंग. नहीं अभी तो वो यहीं पे थी मैम, उसका गलती से हो गया उससे, तो वो कह रही है मेरी ज्वाइन हो रही है, कैंडल ऐड कर लो. वो खुद ही ऐड होंगी, मैं तो नहीं ऐड कर सकती उन्हें. वो ज्वाइन करें ना दोबारा, उनसे कहें ज्वाइन करें. उन्हें समझ नहीं आ रही होगी कि कहाँ से ज्वाइन करना है, उन्हें आप गाइड करें. ओके मैम, दोबारा मीटिंग ओपन करके ना, मीटिंग ओपन करें, ज्वाइन का ऑप्शन आता है दोबारा से, या रीज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा. जी मैम ठीक है, तो उस पर क्लिक करेंगी तो रीज्वाइन. मैम क्लास कब तक खत्म होगी? बस ये आप दूसरा पैराग्राफ भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो उसके बाद फिर खत्म करते हैं, इसे वाइंड अप करते हैं. ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, क्लियर है ना सबको? सबने करेक्ट कर लिया? यस मैम. ओके, अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ आ जाएं. इसे भी थोड़ा 5 मिनट लें, 5 मिनट में इसे भी थोड़ा सा ट्रांसलेट करें, अपनी कॉपीज पे लिख लें, फिर हम इसे भी इसी तरह से जो है ना वो डिस्कस करते हैं. कर लिए सबने? कर लिया? एवरी वन ऑफ यू हैव डन? ओके नहीं मैम अभी करना है. नो मैम अभी नहीं किया. 5 मिनट लें, 5-10 मिनट ले लें इसे भी करके, तो फिर हम इसे भी डिस्कस करते. ओके मैम. और कुछ पूछना चाहें? Do you want to ask any question? No. Okay. Have you done with the paragraph? I hope now you have done with the paragraph. Yes, Ahmed Sultan. आपका माइक जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है, आपको बहुत शोर हो रहा है, डिस्टॉर्शन है बहुत आपके नेटवर्क में. जी कंटिन्यू करें, हम ट्रांसलेशन करें. ओके जी. ओके हियर वी गो. सो फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट सेंटेंस इज, इस वक्त पाकिस्तान बहुत सी मुल्की और बैन अल-अक़वामी मुश्किलात में घिरा हुआ है. So how have you translated it? कैसे ट्रांसलेट किया आप लोगों ने? इस वक्त पाकिस्तान करेगा. सुमेरा yes, आप करें. सुमेरा yes. At present, Pakistan is surrounded by national and international difficulties. By many national and international difficulties. की बजाय अगर आप फेसिंग करें ना तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा. सराउंडेड हो जाता है किसी फिजिकल चीज से सराउंड होना, जैसे हमारी सराउंडिंग्स हैं, हमारे इर्द गिर्द, यानी कोई चीज जो भी है. तो यानी ये मुश्किलात में घिरा हुआ जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट एक मीनिंग में यूज हुआ है ना, यानी घिरा हुआ होने का मतलब है कि वैसे घिरा हुआ और मुसीबत में, मुश्किलात में घिरा हुआ, तो फिजिकली नहीं, बस इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट घिरा हुआ है. ठीक है, तो उसके लिए यानी आप जो ना फेसिंग ज्यादा. हाँ जी जी मैम, कंट्री के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? ही किसके लिए? कंट्री के लिए. कंट्री के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? कंट्री के लिए वैसे शी यूज होता है ज्यादातर.
ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो आप पाकिस्तान नाम लेके यूज करेंगे या आवर कंट्री भी कह सकते हैं. ओके, एट प्रेजेंट पाकिस्तान इज फेसिंग आ सकता है, सराउंडेड जो है ना वो थोड़ा और सेंस में चला जाता है, तो इसलिए इसलिए ये बेहतर होगा. नाउ डेज पाकिस्तान इज फेसिंग, दोबारा कीजिएगा इसे सुमेरा. At present, Pakistan is facing by many national and international difficulties. फिर by ना करें, by is facing many international and national difficulties. ठीक है? ठीक है. इस तरह से करें. At present, Pakistan is facing many national and national difficulties. ठीक है, इस तरह भी ठीक है. और या कर लें nowadays भी कर सकते हैं, at present भी कह सकते हैं, these days भी कर सकते हैं. ठीक है, इस वक्त एट प्रेजेंट भी ठीक है, दीज डेज भी कर सकते हैं. नाउडेज पाकिस्तान इज फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज या नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, इस तरह भी कर सकते हैं. और जिस तरह सुमेरा ने किया है उस तरह भी ठीक है. ठीक है, दोनों तरीके ठीक है. जैसे चैलेंजेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, चैलेंजेस भी कर सकते हैं. हाँ, चैलेंजेस भी ठीक है. Is facing many challenges related to national and international issues, or is facing many challenges, many national and international difficulties या problems. ठीक है. Okay, next sentence पे आए. हमारे दुश्मन हमें दिन रात नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हैं. Yes, who will do that? Nabil. Yes, Nabil Ahmed. हमारे दुश्मन हमें दिन रात नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हैं. अब चक्कर का मतलब ये आपने जो है ना वो बाय सेंस. Our enemies are now thought of harming us day by day. Our enemy is are in a thought of harming us. Day and night. थॉट ऑफ ना करें, थॉट ऑफ थोड़ा सा ऑड लग रहा है. ठीक है, आवर एनिमी इज ट्राइंग कर लें. ठीक है, आवर एनिमी इज ट्राइंग टू हार्म अस डे एंड नाइट, इस तरह से कर लें. ठीक है, आवर एनिमी इज ट्राइंग अस ट्राइंग टू हार्म अस डे एंड नाइट, या आवर एनिमी इज ट्राइंग डे एंड नाइट टू हार्म अस, दोनों तरह से कर सकते हैं. मैम साइकिल भी हो सकता है. साइकिल कैसे? साइकिल तो लफ्जी तर्जमा ये नहीं आ सकता मैम. आर इन अ साइकिल ऑफ हमिंग अस. नहीं नहीं, साइकिल कैसे आ सकता है यार? नहीं वही ना, वो मैं इसीलिए आप कह रही हूं ना कि आपने वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं देखना, आपने सेंस देखनी है, बा मुहावरा तर्जमा करना है. ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम. जी, आवर एनिमीज आर इन ट्राइज ऑफ हार्मिंग अस डे एंड नाइट, ये नहीं हो सकता. Our enemy is trying. Our enemies are. ये भी थोड़ा सा sentence structure ठीक है, लेकिन sentence structure थोड़ा सा odd हो जाता है. उसके बजाय is in tries की बजाय अगर आप is trying simple करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं लगता? जी ठीक हो गया. ठीक है. वो maybe हो सकता है. Our enemies are in the habit of harming us. Our enemies are in the habit of harming us. Are in the habit of harming us. नहीं वो फिर उसकी भी सेंस चेंज हो जाती है कि वो हमें, यानी हमारा दुश्मन हमें करता रहता है, या वो इस सेंस में आ जाएगा कि हमारा दुश्मन हमें दिन रात नुकसान पहुंचाता रहता है, यानी वो हैबिट के फॉर्म में या रूटीन की है तो ऐसे ही, लेकिन यानी यहाँ पे सेंस नहीं है ना वो, हमने इस जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करें उस सेंस को लेते हुए. ठीक है, तो आप सिंपली इसी तरह से करें, आवर एनिमी इज ट्राइंग टू हार्म अस डे एंड नाइट, या आवर एनिमी इज ट्राइंग डे एंड नाइट टू हार्म अस. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाएं. और हम सब इससे बाखूबी आगाह हैं. कौन करेगा इसका? यस अबीहा, आप करें. अबीहा
and we all are well aware about it. Yes, we all are. सब इससे बखूबी आगाह हैं. We all are well aware of it. Good. ठीक है. We all and we इसके साथ ही जुड़ेगा ना पिछले सेंटेंस के साथ. Our enemy is trying to harm us day and night. And we all are well aware of it. Right? ठीक हो गया. ठीक है, गुड. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाए. मिल्लत इस्लामिया का दुश्मन बहुत ही शातिर और होशियार है. जी, मिल्लत इस्लामिया का दुश्मन बहुत ही शातिर और होशियार है. यस अदीला, आप बताएं इसके कैसे ट्रांसलेशन आपने किए. मिल्लत इस्लामिया का दुश्मन बहुत ही शातिर और होशियार है. जल्दी कर लें, हमारे पास 6 मिनट रह गए, 8 मिनट. The enemy of Islamic state is very clever and shrewd. मिल्लत इस्लामिया का दुश्मन बहुत ही शातिर और होशियार है. The enemy of Islamic nation.